प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन उम्र से पहले और हद से ज्यादा प्यार करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन, और मैं हूं आपके साथ प्रीति। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी टीनेजर रिलेशनशिप की, आज हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि सोसाइटी के बियॉन्ड जो आजकल टीनेजर्स रिलेशनशिप में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन शायद फिल्मों की वजह से या मोबाइल की वजह से ये कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है मेरठ के जाने माने डॉक्टर अनुज रस्तोगी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसके साथ ही है डॉक्टर कशिका जैन, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी टीनेजर्स रिलेशनशिप की, जब मतलब बच्चा जो है ट्वेल्थ में होता है या अपने कॉलेज टाइम में आता है तो वो अपने पीयर ग्रुप की वजह से या किसी भी रीजंस की वजह से अलग सेक्स की तरफ अट्रैक्शन उसको होता है और कई बार वो बहुत कुछ गलत कर बैठता है और जो सोसाइटी के बियॉन्ड चला। देखिए, अगर हम डिटेल्स देखें तो इसे बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रश। क्रश दो तरह का क्रश होता है, एक तो आइडेंटिटी क्रश। आइडेंटिटी क्रश का मतलब है कि कोई जैसे प्रोफेसर है या कोई और बड़ा है आपसे, जिसको आप जिसकी पर्सनैलिटी से वशीभूत हो गए और आपने कहा तो मेरा रोल मॉडल है, मुझे ऐसा बनना है। और दूसरा है रोमांटिक क्रश। रोमांटिक क्रश भी मतलब बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति होता है एंड वो उसकी रिपरकशंस नहीं जानते कि ये कैसे हमारे लाइफ को आगे चल के प्रभावित कर देगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। खासकर इंडिया में तो ये बहुत मैटर करता है, फॉरेन कंट्रीज में शायद इतना मैटर ना करता हो, बट अपने कंट्री के अंदर काफी मैटर करता है। बहुत सारे कल्चर रिचुअल रिचुअल भी, और फिर इतनी ओपन सोसाइटी नहीं है, इतना सब कुछ अच्छा नहीं माना जा सकता। पर जो भी क्रश है वो ज्यादा लंबे तो लास्ट करते नहीं, क्योंकि क्रश कहते ही तब है जब आदमी को उसमें परफेक्शन नहीं मिलता। जब भी वो जैसे ही वो बच्चा उस दूसरे बच्चे क्लोज जाता तो उसे पता चल जाता है कि जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं है, तो परफेक्शन जहाँ मिस होता है वहीं वो ब्रेकअप या जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगती हैं। अब कई बार तो प्रॉब्लम्स बहुत डीप भी हो जाती हैं, बच्चे जैसे बहुत डीपली अटैच्ड हो जाते हैं तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन सोसाइटी की भी सोचने लगते हैं। और भी कुछ नहीं होता तो उनकी पढ़ाई का तो जो गोल है, जो उनका बेसिक पर्पज़ है उस एज का कि पढ़ के अपना कैरियर बनाना या एक डायरेक्शन ले जाना अपनी लाइफ को, वहाँ वो मिस कर जाते हैं। और वही एक टाइम है कि उस समय फ्यूचर आपका जो है वो फिक्स। नेचुरली वो क्लासे ही ऐसी होती हैं जिस समय, अब सपोज मैं अगर बायोलॉजी नहीं लेता या मैं ट्वेल्थ में ही फेल हो जाता तो फिर मैं डॉक्टर कैसे बनता? नो, तो उस समय जो आप जैसा आप सोचते हो तो वैसे ही होने लगता है। जब आप कोई इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में जाता है, कोई आई स्पीसीज बनना चाहता है तो वो वैसे ही सिलेक्शन करता है। अब अगर उसका ध्यान उस समय डाइवर्ट हो जाता है कहीं सीरियस रिलेशनशिप में या कुछ, तो फिर तो पढ़ाई तो खत्म ही हो गई। अच्छा, ये क्लासे रुकती तो है नहीं कि चलो भाई ट्वेल्थ में आए हो इस साल को रहने दो, अगले साल दे लेंगे। और जो आपके जो मार्क्स हैं वो कम रह गए, आपका मॉरल डाउन हो गया, आपकी सेल्फ एस्टीम लो चली गई, तो फिर आप आगे कवर अप नहीं कर सकते। मैम, जैसे कि सर ने बताया कि मतलब ये एक ऐसी एज है इसमें एजुकेशन बहुत मैटर करती है, बच्चों का सबसे पहले जो ध्यान होता है वो एजुकेशन से ही हटता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे में बच्चे क्या करें और पेरेंट्स किस तरीके से कोशिश करें कि उनका जो बच्चा है वो पूरी तरीके से अपनी एजुकेशन पर कंसंट्रेट करें। देखिए, अगर बच्चा ये सब कुछ जानता कि तो ये सारे इश्यूज भी नहीं आते, क्योंकि बच्चा अभी ना समझ है वो ठीक है, वो टीनेजर उसमें है, लेकिन उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो आधी अधूरी है। और वो एक क्रेज़ की वजह से, क्योंकि हमारे जो इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों से उम्र के अनुरूप खुलकर बात नहीं की जाती, अभी भी पेरेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेट नहीं करते हैं, तो उससे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है जिसको जानने के लिए वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं या अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं जो उनकी तरह ही थोड़ा थोड़ा जानकारी रखते हैं। और कई बार भावनात्मक जो सपोर्ट है वो फैमिली से नहीं मिल पाती है, जैसे पेरेंट्स अगर वर्किंग है या अगर मदर्स हाउसवाइफ भी हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इमोशनल बॉन्डिंग की कमी की वजह से बच्चा वो बॉन्डिंग बाहर देखता है, तो वहाँ देखता है। तो इमोशंस हमारे इतने पावरफुल होते हैं, अगर वो किसी से कनेक्ट हो जाए तो हम उस इंसान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप खुद अपने ऊपर ये देख लीजिए, जहाँ जिससे भी आप इमोशनली कनेक्ट है तो उससे उसके लिए आप अपना काम धंधा सब छोड़कर आप अपने पैसे भी लगा सकते हैं, अपना टाइम भी लगा सकते हैं। अब बच्चे का क्या है, उस वक्त जो ड्यूटी है वो पढ़ाई की,
ठीक है, पढ़ाई करना या अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, गोल सेट करना या एक पैशन से ना किसी भी चीज को फॉलो करना। अब बच्चा अगर किसी से इमोशनली कनेक्ट हो गया है, क्योंकि इमोशंस में वो सारे पॉजिटिव इमोशंस को अटेंशन उससे मिल रही है, इंपॉर्टेंस उससे मिल रही है, उसके लिए हर एक्सपीरियंस, इवन अगर किसी का हाथ भी टच हो गया तो एक नया एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीज़ें उससे प्लेजर देती है, तो उसके लिए वो अपनी क्या चीज़ सेक्रीफाइस करेगा? उसके पास क्या है? उसके पास पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, उसका और भी कोई अगर अपना पर्सनल कोई हॉबी होगी, कई बार बच्चे उस हॉबी को भी छोड़ देते हैं और सारा टाइम जो है ना वो अपने उस स्पेशल फ्रेंड को देने लग जाते हैं, और वो इतना मतलब कहते हैं ना गोल्डन पीरियड होता है उस बच्चे के लिए, उसको समझ भी नहीं आता, वो एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना। नेचुरली ये एकदम अनडिवाइडेड अटेंशन मिलना, कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, अप्रिसिएशन मिलना, ये ऐसा लगता है जैसे एक सपने की दुनिया में आप आ गए हैं। मतलब आप किसी इंसान के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हम ह्यूमंस को वो इंपॉर्टेंस ही चाहिए होती है। जब तक वो मिल रही होती है तो बच्चे उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, और पेरेंट्स का ध्यान नहीं जा पाता क्योंकि बच्चा उनको खुशी दिखाई देता है, और कोई इस तरीके के इश्यूज वो पकड़ नहीं पाते हैं। उस शुरू में अगर इशू भी आता है कि बच्चे की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है क्या है, तो पेरेंट्स थोड़ा अदर फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस तरीके से नहीं देते। प्रॉब्लम तब आती है जब वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं और वो अटेंशन में कहीं ना कहीं कुछ यू नो डिस्टर्बेंस आ जाता है, या फिर उन्होंने कुछ जरूरत से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया, वहाँ डिस्प्यूट शुरू हो गया। आप किसी के ज़्यादा क्लोज होते हैं तो धीरे 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 वहाँ पर वैल्यू घटने लग जाती है। तो बच्चा जब डिस्टर्ब होना शुरू होता है तब तो पेरेंट्स को कुछ आइडिया लगता है कि आखिर ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब खोया खोया सा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, खाना नहीं खाता है या बाहर नहीं निकलता है वगैरह वगैरह इस तरीके से, या जरूरत से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड कर रहा है, तो तब पेरेंट्स की आँखें खुलती हैं। तो अब पेरेंट्स की आँखें खुल गई हैं तो आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए क्विक टिप है, आप समझ जाइए कि जिस एज में आपका बच्चा है वो ऐसा नहीं कि आज आपने बड़े अच्छे मूड में उसे बिठाया, बेटा बैठ जाओ और आपने उसे एक लेक्चर दिया, वो आपकी बात मान लेगा, क्योंकि इमोशंस को डिस्कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। आप भी किसी से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं और आप ये सोचेंगे कि आज आपको कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे तो आप एकदम से नहीं होंगे। आपको अपने टीनेज बच्चे के साथ उसके लेवल पर जाकर बात करनी होगी। अगर वो बहुत लॉजिकल है तो आपको हर चीज़ का आंसर उसे लॉजिकल वे में देना होगा, अगर वो इमोशनल है तो आपको उसे इमोशंस पर कनेक्ट होकर उससे बातचीत करनी होगी, एंड पेशेंट क्योंकि उसको थोड़ा सा समय लगेगा, उससे उसको राइट एजुकेशन आपको देनी होगी, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ना हेजिटेट करते हैं, इस तरीके की इंटीमेट रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे, या बात करेंगे तो इतना लंबा घुमा फिरा के करेंगे कि बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बोल्ड हो जाइए और अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको भविष्य दर्शन कराइए कि जो उनकी एज का जो मेन गोल है, पर्पस है, अगर वो उन्होंने पूरा नहीं किया तो जिस रिलेशनशिप के वो पीछे भाग रहे हैं वो रिलेशनशिप भी उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इंसान वैल्यूएबल होता है वैल्यू उसी की ही होती है। आज आपको मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं बेटा, आज आपके पास महंगा मोबाइल भी है या आप स्कूटी या बाइक जो भी चला रहे हो वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक एज के बाद अगर आप इसी चीज़ में रहोगे और आप अपने मेन गोल से हट जाओगे, मतलब आपका फोकस जो गोल स्टेटमेंट से हटकर गर्ल स्टेटमेंट पर आ जाएगा, तो वो गर्ल भी आपको नहीं मिलेगी और गोल भी चला जाएगा। सो अब वही लड़की जो आज आपको या लड़का जो आज आपको वैल्यू दे रहा है वो कल आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आप चाहते हो उस फ्रेंडशिप को आप आगे लेके जाओ तो आपको अपनी एज के अनुसार पहले उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, तो वो इंसान आपके लिए वेट कर लेगा। अच्छी चीज़ों का हम वेट कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें एवरेज होती हैं या जो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो हम थोड़ा बहुत सोचते हैं कि हाँ ठीक है कंसीडर कर सकते हैं, पर जैसे ही कोई और अच्छी चीज़ आएगी हम तुरंत उस पर कर जाएंगे। इसीलिए ये होता है कि आजकल हुकअप्स के जमाने आए को बेटर मिलते उसको स्विच को। अगर आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चले तो बच्चों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है, तो आप पहले अपने आप को स्टेबल बनाओ। और ये अगला मैसेज है मेरा पेरेंट्स के लिए कि आपको अपनी टीनेजर को सुधारना है तो प्लीज़ पेरेंट्स आप जो है ना उसके लेवल पर जाकर उससे बातचीत कीजिए, क्योंकि अब वो वहाँ पर इतना क्लोजली यू नो अटैच्ड है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको वो अटेंशन जो बाहर से मिल रही है, जो अप्रिसिएशन उसको बाहर से मिल रहा है, जो उसे मॉरल सपोर्ट या जो उसे इमोशनल सपोर्ट बाहर से मिल रहा है, प्लीज़ आप उसको वो सपोर्ट देना शुरू कर दीजिए। जब उसे रिप्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड रिप्लेस करना जानता है, जब उसे उन्हीं सब चीज़ों का रिप्लेसमेंट अपने घर में भी मिलेगा
और आपकी एक्सेप्टेंस मिलेगी, मतलब आप उसे ब्लेम नहीं करेंगे, आप उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप उसे तुरदुर नहीं करेंगे कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, हर समय आपका फोकस नेगेटिविटी पे नहीं रहेगा, तो बच्चा धीरे धीरे आपसे कनेक्ट हो जाएगा और वो वेंट आउट करना शुरू करेगा जो भी उसके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो भी उसकी तकलीफ है वो कहेगा। एंड जस्ट एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज एडवाइस मत दीजिए उस टाइम, मतलब उसको ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ छोड़ दीजिए जिसमें उसका अपना माइंड भी वर्क करे और वो सोचे, क्योंकि जो डिसीजन आप इम्पोज करते हैं उसको कोई भी जो है ना उस डिसीजन पे नहीं टिक सकता, बट जो डिसीजन बंदा खुद लेता है उस डिसीजन को वो मानता है जरूर, क्योंकि उसकी अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। तो इस एज में बच्चों पर कोई भी डिसीजन आप थोप नहीं सकते हैं, आप सिर्फ उसको इस लायक बनाइए कि वो अपने राइट डिसीजन लेना शुरू कर दे और वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, बेटर होता चला जाएगा सब। देखिए पेरेंट्स और बच्चों, जैसे कि मैम ने बताया कि थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को देना होगा और जो कंडीशन है वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। मैं एक बार आपको बता दूं, हम फेसबुक पर लाइव हैं, अगर इस इश्यू से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। सर इसके बाद आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि भावनाओं की बात हो रही है, इमोशंस की कोई मेडिसिन तो होती नहीं है, लेकिन पेरेंट्स जब बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है या कुछ ऐसे स्टेप्स उठाता है तो पेरेंट्स को एक होता है कि डॉक्टर जो है उसको मेडिसिन दे दे और कोई जादू की छड़ी चली जाए और बच्चा एकदम सही हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं सबको पेरेंट्स को समझाता हूँ, जो मेडिसिन है वो दवाइयों का खेल ही नहीं है, जो डॉक्टर ही है, दवाई एक हिस्सा है उसका, जो आपको जैसे नॉन क्लासिफाइड डिसऑर्डर है तो वहाँ दवाई थोड़ा बहुत आपको हेल्प करती है, रिकवर करने में हेल्प करती है, बट ऐसा तो नहीं कि दवाई से ही सब कुछ सही हो जाएगा। आप खासकर जैसे टीनेजर्स बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स उनके उनसे सेक्स के बारे में भी अगर खुल के बात कर लें तो ये देखा गया है कि अगर पेरेंट्स उन्हें गाइड कर रहे हैं जो जनरल प्रॉब्लम्स उनकी उस समय में आनी है तो वो पेरेंट्स मतलब बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं और ऐसे अचानक से किसी से अटैच नहीं होते या इतना जल्दी वो खुलते मिलते नहीं हैं अपोजिट सेक्स की तरफ, तो वो ज़्यादा सेफ रहते हैं अगर पेरेंट्स उनसे खुल के बात करें और वो फिर छोटी छोटी बातें शुरू से ही एक्सप्रेस करने लगते हैं जहाँ उन्हें गाइडेंस मिल जाती है, बिकॉज उन्हें हर समय गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो खुद कन्फ्यूज रहते हैं तो बहुत सी बातें वो शर्म में पूछ ही नहीं पाते, शर्म में कह ही नहीं पाते। अगर पेरेंट्स के साथ वो थोड़े ओपन हैं और पेरेंट्स उन्हें क्वालिटी टाइम दे रहे हैं और उनका जाना आना भी है तो वो फिर भी इतनी फ्रेंडशिप फिर वो बाहर नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स इमोशनल नीड्स हैं वो घर में ही कंप्लीट हो रही हैं। और जैसे जो हमारे यहाँ जो हमारी कल्चर है जो मैं क्लिनिक पे महसूस करता हूँ, जब हम बच्चा देख लेते हैं ना तो उसके बाद पूछते हैं खाने को क्या दें, कि भाई सब कुछ दे दो, फिर से पूछें खिचड़ी दे दें, अब वो मतलब उनकी सोच से मुझे लगता है कि वो इमिडिएटली जो सारे सिम्टम्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये सब खाने से ही सही हो जाएंगे और जो डॉक्टर साहब पे एक मैजिक दवाई देंगे उससे सही हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा रोल है और खाने का तो इतना रोल नहीं, वो बार बार एक एक चीज़ को अलग अलग पूछेंगे ऐसी हर चीज़ में, खाने को क्या दें खाने को क्या दें, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा जबकि जो और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं उस पर ध्यान नहीं देते। मैं अभी एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर्स का मतलब पुलिस का मेन काम क्या है, अपराध को रोकना या अपराधी को पकड़ना, तो ऐसे मैं कहता हूँ डॉक्टर का मेन काम क्या है, बीमारी को सही करना या बीमारी को होने ना देना, तो मैं ये कहूँगा बीमारी को होने ना देना हमारा पहला काम है, कर्तव्य है, और यही चीज हम लोगों को समझाना भी चाहते हैं। अगर पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने लगे तो कितना अपराध बढ़ जाएगा, पुलिस का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराना, ऐसे ही डॉक्टर का काम है उन्हें लोगों को समझाना कि भाई ये चीज़ करिए ये चीज़ मत करिए ऐसे करिए, बट वो तब तक नहीं समझते जब तक वो उस कुचक्र में नहीं फंस जाते, तो इसलिए हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी बहुत समझाना चाहते हैं, बताते भी हैं लोगों को, बट या तो वो दवाई पे अटकेंगे या खाने पे अटकेंगे, और खाना भी कुछ फॉलो नहीं होना, अल्टीमेटली बच्चे ने फ्रूटी पीनी और चिप्स खाने हैं, पूछेंगे इतना ज्यादा कि वो ये दे दें वो दे दें, ये देना है नहीं देना है, लाइक दैट। मैम जैसे कि अभी सर ने बताया, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे थेरेपीज होती है कि बच्चा अगर डिप्रेशन में है या उसको कोई और भी प्रॉब्लम है तो हम थेरेपीज उनको क्या कर सकते हैं और किसकी देख रेख में बच्चों की थेरेपीज लेनी चाहिए, या जैसे हम योगा कर सकते हैं मेडिटेशन वगैरह, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए इस तरीके की जो इश्यूज होते हैं बेसिकली सबसे पहले जो मदर फादर का होता है वो बैठकर बच्चे से बात करते हैं, ठीक है,
और आपने जैसा पूछा कि इसकी कुछ थेरेपीज और ये सारे ट्रीटमेंट के बारे में, तो बिल्कुल जैसे सर ने भी बोला कि मेडिसिन सिर्फ एक पार्ट है ना, कई बार बच्चे की कंडीशन खराब हो गई है तो इनिशियली हो सकता है उसको कोई हल्की फुल्की मेडिसिन देनी पड़े, लेकिन इमोशंस को या थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोई मेडिसिन तो आती नहीं है। तो इसके लिए साइकोथेरेपी, उसमें CBT बहुत हेल्प करती है, इसमें क्लिनिकल ह्यूमन थेरेपी भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो अगर उन इमोशंस को रिलीज कराया जाए और एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड की जाए तो बहुत है। इसमें NLP की बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आपका माइंडसेट आसानी से चेंज कर सकती हैं, एंड ऑफकोर्स काउंसलिंग का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी क्वालिफाइड थेरेपिस्ट या काउंसलर के अंडर में ही बच्चे को कराना चाहिए, बिकॉज आप किसी भी प्रोसीजर को राइट तरीके से अगर फॉलो करते हैं तभी उसका कोई इफेक्ट आता है। आप नेट से पढ़ पढ़ा कर अगर उसे ट्राई भी करेंगे और आपने सही से उसे फॉलो नहीं किया तो आपको लगेगा इन चीजों का कोई फायदा नहीं है, या यूट्यूब पे भी जो वीडियोस हैं उसमें एक्चुअल में आज के समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स क्या है यूट्यूब से देख लिया, यूट्यूब पे टेक्निक्स नहीं बताते हैं, यूट्यूब पे डायरेक्ट डेमो होते हैं और आप सोचेंगे कि इसी तरीके से करना है, उसके पीछे की टेक्निक तो आपने समझी नहीं, तो वो उतना फायदा नहीं देता। वही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड योगा ऑफकोर्स वो हमारे माइंड को काम रखने में, हमें अच्छा सोचने में, रिलैक्स रहने में मदद करती है, वो बहुत जरूरी है। एंड यही साथ के साथ में दो पावरफुल प्रैक्टिस पेरेंट्स को जरूर देना चाहूंगी, एक है अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाइए पावर ऑफ फोकस और दूसरा पावर ऑफ चॉइस। अगर ये दो पावर्स आपने अपने बच्चों के हाथ में दे दी है तो आपके बच्चे हर उम्र में सही डिसीजन को लेना और उनको फॉलो करना सीख जाएंगे। पावर ऑफ चॉइस कहती है हमसे चुनाव की शक्ति, जीवन हमारा है, हमारे हाथ में वो शक्ति है, हम छोटी छोटी बातों में हर वक्त चुनाव करते हैं, हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, अभी सोना है, उठना है, जागना है, लेकिन जो हमारे ज़िंदगी के मेन मुद्दे होते हैं वहाँ पर हम पावर ऑफ चॉइस को भूल जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट को पहले से क्लियर हो कि मेरा धर्म पढ़ाई करना है और पहले अपने आप को सक्षम बनाना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मेरे को मिल जाएंगी, अट्रैक्ट होकर आ जाएंगी, तो वो जब पावर ऑफ चॉइस को समझेगा कि मैं जो चुनूंगा वो मैं हो जाऊंगा, मतलब मैं अगर एक शॉप पर गया और मैंने जो कमीज पसंद की वो मेरी हो गई, तो मैंने जो भी चुनाव किया जीवन में वो मेरा हो जाएगा और मेरा जीवन वैसे बन जाएगा, तो बच्चे इस विजडम के साथ राइट चूज करना सीखेंगे, चाहे वो अपने शरीर का ध्यान रखना हो या अपने मस्तिष्क का या अपने व्यवहार का या आदतों का। दूसरा पावर ऑफ फोकस, मानव मस्तिष्क की एक खासियत है कि मानव मस्तिष्क चमत्कार तो कर सकता है लेकिन ये एक बार में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा है तो उसका इधर उधर और बातों पर ध्यान नहीं होगा। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो बड़े स्टूडियस होते हैं, बड़े गोल ओरिएंटेड होते हैं, बड़े स्पेसिफिक, जिनका एक लक्ष्य होता है, उनके लिए बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कभी कभार के लिए सेकेंडरी होती हैं, ठीक है, बिकॉज वो फोकस्ड होते हैं। लेकिन जो बच्चा गर्ल स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा है, बॉय स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा है, वो पढ़ाई पे कैसे फोकस करेगा, मल्टीपल फोकसिंग तो अलाउड ही नहीं है ना। सो अब अगर आपने बच्चे को ये समझा दिया बचपन से, उसके दिमाग में चीज क्लियर होगी कि बेटा जहां तुम फोकस करोगे तुम्हारी लाइफ वैसे ही रिकॉर्ड होती चली जाएगी, पल पल हर पल तुम्हारी लाइफ रिकॉर्ड हो रही है, एंड यहाँ पे तो डिलीट का बटन ही नहीं है, आप जो भी रिकॉर्ड कर लोगे वो हो जाएगा और आपको वही आपके अंदर कैसेट बचेगी, मतलब वही ऑटो सजेशन आपके अंदर जाएंगे, आप बाद में 10 साल बाद 20 साल बाद रिग्रेट फील करोगे, आपको लगेगा अरे ये मैंने क्या कर लिया, अगर कुछ ऑप्शन ही नहीं है वापस जाने का, आप पीछे जा ही नहीं सकते हो। तो जब आप उस चीज को पावर ऑफ फोकस और पावर ऑफ चॉइस को समझ जाएंगे अच्छी तरीके से, बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगे, तो बच्चों को बहुत मदद मिलेगी और बच्चे इस मतलब गलत राह पर जाने से बच सकते हैं। तो ये बच्चों को ना ये बात शुरू से सिखानी चाहिए, वक्त की चीज वक्त पे ही अच्छी लगती है, तो हर चीज का एक वक्त होता है, और अगर उसे उसी समय बच्चों को पता होना चाहिए कि ये वक्त, अब शादी का वक्त आएगा तो शादी करेंगे, या पढ़ाई का वक्त है तो पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला ना कि समय से पहले प्यार करना जो है और हद से ज्यादा प्यार करना वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। देखिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो भी हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, आप इसको किसी जो आपके आसपास के बच्चे हैं उनको भी रिकमेंड करें, क्योंकि आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, और आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि आप अपनी साइकोलॉजी को समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेव करना स्टार्ट करें। मतलब अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चे या पेरेंट्स डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होते हैं उन पर किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, एंड अगेन आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।